नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर लचीन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। चारधाम सड़क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, 3 डबल लेन हाईवे बनाने की मिली इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को उत्तराखंड में चारधाम सड़क परियोजना के लिए 3 डबल लेन रणनीतिक राजमार्ग बनाने की इजाजत दे दी है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। शुरुआती जानकारी के अनुसार सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन की कार्यवाही शुरू की। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि कुछ संदिग्ध लोग इलाके में छिपे हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शफीक अली को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकी हमले में हुए थे शहीद। पुलिस ने देर रात जानकारी दी कि यह हमला जैश ए मोहम्मद के बनाए कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के 3 आतंकियों ने किया था। पुलिस ने यह भी बताया कि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी घायल भी हुआ है। दिल्ली में ओमिक्रॉन ने पसारे पैर, सामने आए 4 नए मामले। देश में 45 पहुंचे मरीजों की तादाद। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़कर 6 हो गए हैं। मंगलवार को 4 नए मामले सामने आए हैं, 6 में से मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। लखीमपुर कांड का एसआईटी ने सोची संची साजिश माना। आशीष मिश्रा समेत 14 पर चलेगा हत्या का केस। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदली गई हैं। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,784 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन के 41 लोग संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,784 नए केस सामने आए हैं। वहीं 252 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 41 मामले सामने आ चुके हैं। अगली खबर गुजरात से। बोर्ड पर लिखा था पाकिस्तान फूड फेस्टिवल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया आग के हवाले, लगाए जय श्री राम के नारे। गुजरात में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस बैनर को उतारकर आग के हवाले कर दिया जिस पर पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल लिखा था। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले और गुजरात में 4th मरीज मिला। देश में अब तक 41 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। कल मिले दोनों मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं थे और वे टीके की दोनों डोज ले चुके थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का काशी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का काशी के कल के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला, कहा लोकार्पण से जनाधार नहीं बढ़ता। पीएम मोदी ने श्रमिकों के साथ खाना खाया तो अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, लगाया ये बड़ा आरोप। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम ने मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन सवाल यह है कि सपा ने मजदूरों के पौष्टिक आहार के लिए जो योजना शुरू की थी उस योजना को क्यों बंद कर दिया गया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते, ये लोकतंत्र चलाने का कोई तरीका नहीं। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। मायावती ने किया दावा पंजाब में बनेगी अकाली दल और बीएसपी की सरकार। मायावती ने दावा किया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन जीत दर्ज करने में कामयाब होगा। अगली खबर लखीमपुर हिंसा से जुड़ी है। एसआईटी की रिपोर्ट पर बोली प्रियंका गांधी, पीएम मोदी की है किसान विरोधी मानसिकता। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त न करना पीएम मोदी की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर के कार्यक्रमों पर लग सकती है रोक। सीएम केजरीवाल ने दिए संकेत, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश की राजधानी में और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार क्रिसमस और नववर्ष से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश, फूड बिजनेस ऑपरेटर खाने पीने की चीजों में वेज नॉनवेज का करे पूरा खुलासा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ट्रस्ट के सदस्य सिख धर्म के नामधारी संप्रदाय के अनुयायी हैं, इसके साथ ही वे शाकाहार को मानते हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर खाने को बनाने वाली सभी सामग्रियों के बारे में जानकारी दें। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का दिल्ली में दिखा असर, अगले हफ्ते में तेजी से लुढ़केगा तापमान, बढ़ती सर्दी में कोरोना होगा खतरनाक। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस हफ्ते में तेजी से पारा लुढ़केगा और ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही सुबह के समय हल्की धुंध बने रहने की संभावना जताई गई है। इस कारण से इस पूरे हफ्ते न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। अखिलेश यादव से गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, पूर्वांचल को लेकर किया ये दावा। सुबह सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार सपा के साथ उनकी पार्टी का भी गठबंधन हुआ है। यह गठबंधन भारी मतों से उत्तर प्रदेश में विजयी होगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। जब देर रात वाराणसी की सड़कों पर निकले पीएम मोदी और सीएम योगी, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी ने काशी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ट्वीट किया,
काशी में प्रमुख विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ट्वीट किया, काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण हमारा प्रयास है कि इस पवित्र शहर के लिए सबसे अच्छा संभव बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।